जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका मिलिट्री बाइक के यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, एसएससी के बाद अब रेलवे की अपडेट मैं आपको दे रहा हूँ। रेलवे सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिस नंबर 4/2024, यानी कि रिक्रूटमेंट ऑफ पैरामेडिकल कैटेगरी की जो रिक्रूटमेंट है वो आ चुकी है। ये भर्ती दोस्तों आ चुकी है, इसका ओपनिंग डेट है 17 अगस्त और लास्ट डेट इसका रहने वाला है 16 सितंबर। तो 16 सितंबर अब नज़दीक हो गया है, आज 3 सितंबर है, मात्र 13 दिन बचा हुआ है। अब रेलवे की वेबसाइट सर्वर बिजी हो जाएगी, तो इसलिए जो भी कैंडिडेट अभी तक फॉर्म को पैरामेडिकल के फॉर्म को फिलअप नहीं किए हैं वो जल्दी जल्दी फॉर्म को फिलअप कर लें। यह अपडेट है आपके लिए। और दोस्तों, टोटल 1376 पोस्ट पर भर्ती आई हुई है, देख सकते हैं आप। ये लेवल 2 से लेकर लेवल 7 तक की भर्ती है, इन सब पोस्ट के लिए भर्ती है, देख सकते हैं दोस्तों आप। तो जिन कैंडिडेट ने अभी तक फॉर्म को फिलअप नहीं किया है वो 16 सितंबर से पहले पहले फॉर्म को फिलअप कर दें। ये सिविल की बहुत अच्छी नौकरी है, तो दोस्तों फॉर्म को फिलअप कर देंगे आप। ये एज लिमिट यहाँ पे दिया गया है, कितना कितना एज लिमिट रहने वाला है। पूरी नोटिफिकेशन आप आरआरबी की वेबसाइट से जाके डाउनलोड कर पाएंगे। दोस्तों, इसमें जनरल को 500 रुपये, बाकी SC ST फीमेल ट्रांसजेंडर वगैरह को 250 रुपये फॉर्म का फीस रखा गया है, जो कि रिफंडेबल होगा। अगर आप एग्ज़ाम में सम्मिलित होंगे तो आपका फ़ी रिफंड हो जाएगा। फॉर्म भरते समय अपना बैंक अकाउंट सही सही डालें, जिससे कि रिफंड के टाइम में कोई दिक्कत ना हो। यहाँ पर 21 RRB है इंडिया में, तो टोटल RRB की वेबसाइट दी गई है जहाँ से आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, या फिर इस नोटिफिकेशन को भी डाउनलोड करके फुल नोटिफिकेशन को देख सकते हैं। यह कैटेगरी वाइज और बोर्ड वाइज वैकेंसी दी गई है कि कौन से बोर्ड में कितनी वैकेंसी है। तो दोस्तों, 16 सितंबर से पहले पहले आप ज़रूर फॉर्म को फिलअप कर दें। जय हिंद, जय भारत। इस तरह के और जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।